everyone, and very good morning to all of you. So right now the time is 5:50. और अभी मेरे को खारघर हिल जाना है फटक से, उधर जाके सनराइज़ का अच्छा वाला टाइम लैप्स लेना है सर. अभी पूरा बाहर नहीं आया तो फटक से अभी जा रहा हूँ मैं. कुछ 5 किलोमीटर है, 5 या 4 समथिंग मेरे इधर से. तो चलो गाइज, आई होप आपको ये सनराइज़ का टाइम लैप्स पसंद आया होगा. आई होप मैंने अच्छा निकाला है, ट्राई किया अच्छा करने. एक्चुअली मैं इधर थक गया था बहुत, तो सोचा कि यही पॉइंट से सनराइज़ लेते. मेरे को एक्चुअली टॉप से लेने था, इस बाद में सोचा कि चलो इधर से ही ले लेते. अरे फोकस, हाँ इधर से ही ले लेते. वाटर ब्रेक लिया, अभी टॉप पर जाने का. एक्चुअली मैं टॉप तक नहीं पहुँचा हूँ, ये बीच में एक टर्न था इसके लिए और अच्छा व्यू दिख रहा था. अरे आप देख सकते इधर से पूरा खारघर दिखता है. अभी विजिबिलिटी थोड़ा कम है, नहीं तो पनवेल भी दिख जाता है उधर. तो अभी बहुत थक गया था, वाटर ब्रेक लिया हूँ. अभी टॉप पे जाने का है और 3 किलोमीटर है. तो चलो अभी जाते टॉप पे और देखते कुछ अच्छा एक्सप्लोर करना मिलता है तो ऊपर ज़रूर करेंगे. तो चलो अभी टॉप पे जाते. तो गाइज अभी मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, समझ नहीं आ रहा किधर जाने का. 2 टर्न है, एक ये वाला एक है और एक इधर है. मैप पे तो कुछ बता रहा नहीं है. अभी समझ आ नहीं किधर जाने का, रॉन्ग टर्न देत वाला सीन ना हो जाए. चलो राइट ही जाते. तो गाइज मैं अभी खारघर हिल के टॉप पे पहुंच गया था, बट एक्चुअली मेरे को वो व्यू है उधर से सारा, मतलब ऑलमोस्ट नवी मुंबई दिखता है, वो मेरे को पॉइंट मिल रहा नहीं है. बट मैं आ गया इधर, ये शेड में देखा, देखो लोग ने इधर दारू पी के ऐसा कचरा किया है, आप देख सकते सब. अरे यार तुम लोग दारू तो पियो बट एटलीस्ट नेचर का ख्याल तो रखो यार, थोड़ा साफ सफाई भी रखो. सब इधर बॉटल्स पड़े एंड ऑल, पूरा वाट लगा डाला इन लोग ने तो पूरी अपने नेचर की. तो चलो अभी वो पॉइंट पे जाता हूँ, अगर वो पॉइंट मिल गया तो बता दूंगा. बहुत थकने हो गया एक्चुअली. चलो सो गाइज मैं अभी खारघर हिल के टॉप पे जाके हूँ, बट ये टॉप पॉइंट नहीं है. वो जो उधर था वो मैं टॉप पॉइंट पे था. अभी मैं किसी एक डाइवर्जन के उधर आया, मेरे को रोड दिखा और मैं यही पॉइंट को ढूंढ रहा था, एट लास्ट मेरे को मिल गया. सो आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरा सीबीडी बेलापुर है, वो उधर पूरा आधा नवी मुंबई है, सिवर्स नेहरू एंड ऑल, ये पूरा सीबीडी बेलापुर है. ये जो स्टेडियम दिख रहा है राजीव गांधी स्टेडियम है हम लोग के इधर का, और मैं इधर रहता हूँ. ये सब किधर गया, हाँ ये टावर दिख किधर यार, हाँ वो टावर दिख रहा है, ये वाला टावर. इसके पीछे जो सब रॉ से उधर रहता हूँ मैं. अच्छा जा, पहली बार मैं इधर आ गया हूँ, फर्स्ट टाइम इतने साल रहकर. मैं ट्राई किया साइकिल को इधर लाने को, उधर ही पार्क कर दिया हूँ. इसमें से सोचा छोड़ जान दे, पंचर वंचर हो गया इधर पॉइंटेड बहुत ये. और मेरा 5 साल पुराने शूज़ को भी अभी फटना था, बहुत मेरे को ये हो रहा है. चलो कोई बात नहीं, पर व्यू देखो यार, मन कर रहा है इधर से जाने का नहीं, पर व्यू देख लो. और काश मेरे पास यहाँ पर ड्रोन होता ना, फाड़ देता वीडियो सच में. ड्रोन नहीं है, मैं सोच रहा था पारसी गिल पे भी जाके आऊँ, थोड़ा आपको उधर का भी बता देता हूँ. तो उतना स्टैमिना तो है, अभी मैं पारसी गिल पे भी जाता हूँ, उधर का थोड़ा बता देता हूँ. उधर से भी अच्छा व्यू है. वो जो वो दिख रहा है वो टेम्पल, आपको शायद दिख रहा होगा क्या नहीं मालूम, वो
वो जो रुको, हाँ वो पहाड़ पे एक टेम्पल है, वो पारसी के लिए, उधर से बहुत अच्छा व्यू उधर से भी आता है, उधर से सनसेट बहुत अच्छा आता है। वो देखो उधर ट्रेन जा रही है, हार्बर रेलवे, इतना सा दिख रहा है, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है यार। क्लाइमेट भी इतना प्लेजेंट है, मन मन ही नहीं कर रहा है जाने का, इससे लगता है इधर एक घर बना लो, रह लो। राइट नाउ आई एम लिविंग फ्रॉम हियर, पारसी किल जाना है और टाइम हो गया है 8:20। तो पारसी किल ज़्यादा दूर नहीं है, समथिंग आधा घंटा लग जाएगा मेरे को साइकिलिंग 20 मिनट्स पकड़ लो, नहीं नहीं आधा घंटा ही पकड़ लो, मेरे को अभी ये हिल पूरा उतरना है फिर पारसी। तो गाइस देखा, नेचुरल, एक डर लग रहा था ऊपर से रॉक फॉलिंग ना हो जाए, बट यार क्या एक्सपीरियंस हो रहा है यार, ऑसम। तो वो पानी इतना स्वीट है ना कि क्या मालूम, मस्त था। तो गाइस कुछ देर हम लोग वो माउंटेन पे थे, उधर से जो मैंने टेंपल दिखाया वो ये वाला टेंपल था, बट ट्राई करते जिधर हम लोग माउंटेन जो माउंटेन पे थे उधर इधर से वो माउंटेन दिखता है कि नहीं, चलो देखते उधर आगे जाके वो दिखता है कि नहीं। चलो बहुत थक गए, सो गाइस ये हिल देखने जाएगा, खारघर हिल के सामने कुछ नहीं है, ये तो बस छोटा है, 2 किलोमीटर का रहेगा। खारघर हिल चढ़ के उतर के पारसी हिल चढ़ रहा हो, ऐसा लग रहा है अभी जाने के लिए मेरे को किसी दोस्त को बुलाना पड़ेगा। तो गाइस अभी चलो ठीक है, अभी इतना ये करना तो पड़ेगा। ये देख सकते हम लोग जो माउंटेन में थे वो ये वाला माउंटेन था, वो देखो ये अभी ये बिल्डिंग है इसके लिए दिख रहा नहीं है, और वो जो माउंटेन है उधर थे हम लोग, अभी जो हम लोग आए उधर से खारघर हिल वो है, और जो बिल्डिंग सब दिख रहा है अभी इधर झाड़ियाँ बहुत है और बिल्डिंग भी बहुत है इसके लिए वो दिख रहा नहीं एग्जैक्टली, बट अभी उधर से हम लोग आए और अभी टाइम है कुछ 8:40 नहीं ना 9 बज गया ऑलमोस्ट, अभी मैं नीचे था तो अभी 8:45 था, अभी ऊपर आने तक 9 बज गया रहेगा। तो अभी पारसी के लिए उधर गया, अभी हम लोग लास्ट NMMC का हेडक्वार्टर से उधर जाने वाले, तो चलो अभी उधर जाते, बैंड लगी पड़ी है। दिख रहा है उधर जाने का भी अपने को, चलो। सो अभी हम लोग NMMC पहुंच गए, NMMC हेडक्वार्टर्स, ये मेरे पीछे जो है NMMC हेडक्वार्टर्स है, और ये मेरे पीछे जो है पूरा पाम बीच है, जैसे सीधा सीधा बैठता हूँ मैं। तो मैंने आज ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर तो साइकिलिंग किया,
अभी मैं घर पे जाऊंगा या नहीं, कैसे जाऊँ, अभी पक रहा है मेरे को जाने को। वापस इधर से मेरा 2 किलोमीटर तो घर है, मतलब ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर तो मेरा साइकिलिंग हो गया आज। तो अभी इधर ही राइड ख़त्म कर रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कर दो अगर पसंद आ रहेगा, बहुत मेहनत किया है। अगर न इसलिए किया तो चलेगा, कोई बात नहीं। नीचे कमेंट में पर ज़रूर बताना कि क्या पसंद नहीं आया, तो वैसे मैं इम्प्रूव करूँगा। कोई बात नहीं, डिसलाइक करो, लाइक करो, अगर पसंद आया तो लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत की है। हाँ, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक दबा दो और बता दो कमेंट में क्या पसंद नहीं आया। तो चलो अभी इधर ही थोड़ा अभी रेस्ट करता हूँ, वाटर ब्रेक लेता हूँ और जाता हूँ घर पे। बाय बाय बाय।